सबसे पहले मैं सभी को क्रांति का सलाम पेश करना चाहती हूँ। मैं नवदीप कौर हूँ, मजदूर अधिकार संगठन की एक एक्टिविस्ट हूँ मैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पिछले दिनों जो भी घटना हुई है उसके बारे में शायद सबको पता है, क्योंकि सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन लोगों का और उन पत्रकारों का जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, मजदूरों की आवाज़ बने, और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के प्रेशर की वजह से आज मैं बेल पे रिहा होके आई हूँ। बाकी अभी भी हमारा केस चल रहा है। जिन लोगों को अभी ऐसा लगता है कि जीत प्राप्त हो गई है और मैं जेल से बाहर आ गई हूँ, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी भी हमें जीत प्राप्त नहीं हुई है। आज भी जो हमारी डिमांड्स हैं आज भी वो पूरी नहीं हुई हैं। आज भी हम लोग जो दलित लोग हैं, आज भी हम लोग जो मजदूर लोग हैं, आज भी हम लोग भूखे पेट सोते हैं, और जो हमारा वेतन है वो आज भी कंपनी में रुका हुआ है। और जो हम लोगों की डिमांड थी कि जो लेबर कोड बिल जो है अभी जो नए लाए गए हैं वो लागू नहीं होने चाहिए, लेकिन जो पहले का है वो लागू होने चाहिए। और जितनी भी मजदूर हैं जिन लोगों ने कंपनियों में काम किया है उनको उनका लॉकडाउन का रहा हुआ जो बचा हुआ पैसा था उनको मिलना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों के लगातार जो प्रोटेस्ट किए, ये जो संगठन है मजदूर अधिकार संगठन, ये 3 साल से काम कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि जैसे SHO ने खुद भी ये बोला कि नवदीप कौर ने और इनके साथियों ने किसान आंदोलन में मजदूर अधिकार संगठन बनाने की कोशिश की। मतलब एक संगठन बनाना भी हमारे लिए गैर कानूनी हो गया है। तो हम लोग उनको बता देना चाहते हैं कि ये संगठन 3 साल पहले से काम कर रहा है, लेकिन जो स्टेट है वो मजदूरों से ये हक भी छीन रही है कि हम लोग एक संगठन बना पाए, हम लोग अपनी आवाज जो बुलंद कर पाए और अपने हकों की लड़ाई लड़ पाए। और आज का जो प्रोग्राम है इसमें मेन जो है यही बात है कि स्टेट का रिप्रेशन किस तरीके का है। और हम लोग लगातार देख रहे हैं, जैसे राजवीर ने भी बताया कि जो स्टेट का रिप्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो भी जनता की आवाज़ उठाता है, जो भी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसको ये बोल दिया जाता है ये देशद्रोही हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये नक्सलवादी हैं, या ऐसा कुछ बोल के उनको जेलों में डाल दिया जाता है। उन पर UAPA जैसे NSA जैसे कानून लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो मतलब सीधा और साफ ये है कि स्टेट को बहुत डर है। एक तरफ तो हम लोग दलित लोग हैं और हमें इतनी भी आज़ादी नहीं दी जाती कि हम लोग पर्चा बांट पाए, और दूसरी तरफ जब हम लोग किसानों के साथ मिल जाते हैं, जब हम लोग जाग जाते कि हाँ किसान आ गए हैं, तो हम लोग को भी ऐसे खड़े हो जाना चाहिए। तो स्टेट एक कमजोर लड़की से, स्टेट एक कमजोर, जिनको बोलते हैं कमजोर दलित हैं, उनसे डर जाती है। और जेल में ऐसे खतरनाक जो 307 जैसी धाराएं हैं, जबरन वसूली जैसी धाराएं हैं, और जो स्नैचिंग जैसी धाराएं लगा के जेल में डाल देती है, तो इसे पता चल रहा है कि स्टेट कमजोर है जो चाहती है कि लोग डर जाएं। और हम लोग ये लगातार लड़ाई जारी रखेंगे। और जैसे लगातार से सुधा भारद्वाज हैं, सोमा सेन है, गुलफिशा है, फातिमा है, दिवंगना निताशा है, इसी ये पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति क्या है। जो लोगों के लिए बोलता है, जो समाज की आवाज़ बनता है और जो मेहनत कश लोगों के लिए बोलता है, उसकी जगह उन्होंने जेलों में रखी हुई है। और जो लोग लोगों के लिए बोलते हैं उनको इनाम देने की जगह उनको सजा मिलती है। तो ये एक डराने का भी ये है कि लोग डर जाएंगे, जो इनके मेन लोग बोलते हैं उनको अगर जेलों में डालेंगे तो जो पीछे की जनता है वो पीछे हट जाएगी और डर जाएगी। लेकिन जब मुझे अरेस्ट कर दिया जाता है तब ऐसा नहीं मुझे लगा कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है, चाहे जो हमारे जो मजदूर हैं, जो पीछे हट जाएंगे। और मजदूर और भी जोश के साथ आगे आए और लगातार से आवाज़ उठाई कि नवदीप कौर को रिहा किया जाए। और जितने भी जो किसान नेता हैं, मजदूर नेता हैं, जब पत्रकार हैं जो सच में न्याय की आवाज़ उठाते हैं, जिनको लगता है कि हाँ गलत हो रहा है, जो उनकी आवाज़ बनते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई,
जिसकी वजह से अलग अलग मीडिया ने आवाज़ उठाई और देशों विदेशों में मेरी आवाज़ उठाई गई, उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। लेकिन महिलाओं के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, कि दलित महिलाएं सुरक्षित हैं। जब मैं जेल में गई हूँ तो जेल में जाकर जब मैंने महिलाओं से बात की तो मेरा ये अनुभव रहा है, मुझे पहले कुछ नहीं पता था, पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग जेल में डाले जाते हैं सच में उनका कोई ना कोई जरूर गुनाह रहा होता होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने किया होगा जिसकी वजह से जो सरकार उनको जेलों में डाल रही है। लेकिन जब मुझे पकड़ा गया है, जब मैं जेल के अंदर गई हूँ, तब मुझे ये एहसास हुआ है कि जो जनता की आवाज़ बनता है, जो स्टेट के खिलाफ बोलता है, उसको देशद्रोही ही बोला जाता है, और जो सरकार है वो पूरी तरीके से दलाली कर रही है। और जब मैं जेल में गई, मैंने महिलाओं से बात की, और जो आशा सुशील है आज भी वो जेल में है, बुटाना रेप केस की जो बात है, और जब मैं उनसे बात की कि मैं मेरा जो केस कुंडली थाने का है और कुंडली थाने में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसी मारपीट हुई है, ऐसा वायलेंस किया है, तो उन लोगों ने ये बात बोली कि ये तो बहुत आम बात है, हमारे साथ तो 15-15 दिन रेप हुआ है, हमारे तो हाथ पैर तोड़े गए हैं, और जो पुलिस है जेंट्स पुलिस ही उनको वो मारती है, मतलब जो रिमांड है वो भी जेंट्स पुलिस रहती है, 3rd degree टॉर्चर होता है, तो उनके लिए आम बात हो गई है। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि जो पुलिस है उसका रवैया कैसा है, जो पुलिस है वो सिस्टम का एक टूल है, सरकार का एक टूल है जिसको यूज़ किया जा रहा है आम जनता के खिलाफ, उनका दिमाग नहीं है, वो एक मशीन है जो जनता के खिलाफ छोड़ दी गई है, जो भी आगे आता है जनता के लिए उसको पकड़ लिया जाता है, और ऐसे खतरनाक कानून लगा दिए जाते हैं, ऐसे खतरनाक धाराएं लगा दी जाती हैं जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाते हैं। जैन साईं बाबा जो 90% वो डिसेबल हैं, सिर्फ उसको इसीलिए उनको जेल में बंद कर दिया गया कि उनको ये बोल दिया कि इनका दिमाग खतरनाक है। किस तरीके से दिमाग खतरनाक है? चलो मुझे तो ये बोल दिया कि मैंने आगे से हमला किया, 307 लगा दिया, हालांकि उस दिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। और जैन साईं बाबा के कौन से हाथ पैर चल रहे थे जो इनको जेल में UAPA लगा दिया गया? उनके खिलाफ कौन से ऐसे सबूत मिल गए कि उनके खिलाफ UAPA लगा के उनको अंदर बंद कर दिया गया? वो चल भी नहीं सकते, उनको सिर्फ इसलिए अंदर बंद कर दिया कि वो जनता के लिए सोच रहे थे। उन लोगों ने कोशिश की स्टूडेंटों को बोलने की कि आपको जागना चाहिए, इसीलिए जो स्टेट है उनको पता है कि जो आम जनता है अगर ये उठ खड़ी होती है, अगर किसान मजदूर दलित आदिवासी लोग मुस्लिम लोग अगर उठ खड़े हुए तो जो स्टेट है जो सरकार है वो गिर जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस है BJP है इनकी सत्ता है, लेकिन जो देखा जाए इनकी सत्ता नहीं है, दलाल लोग हैं। जो सत्ता है वो बाहर के लोगों की है, जो बाहर के बड़े बड़े देश हैं वो यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं यहाँ की पॉलिटिक्स में, वो लोग हैं। हालांकि चेहरे जो नरेंद्र मोदी जैसे हैं, राहुल गांधी जैसे हैं, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जैसे हैं, मैं किसी भी का भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, और वो लोग सिर्फ दलाल हैं, उनका सिर्फ चेहरा है सामने कि हाँ हम लोग कानून बना रहे हैं। अगर उन लोगों ने कानून बनाए होते तो आज वो वापस होते, इसीलिए पता चलता है कि इसके पीछे बड़े बड़े देश हैं जो यहाँ पे गुलाम करना चाहते हैं हमारे देश को, और जो हमारे दलित लोग हैं उनके खिलाफ कैसी धाराएं लगा दी जाती हैं जब वो बोलते हैं। और जो लेबर कोड है उसमें नए जो 44 को 4 में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो हम लोग मजदूर हैं उनको गुलाम बना दिया जाएगा पहले की तरह, और हम लोग कहीं पर भी जाके अपनी गुहार नहीं लगा सकते, कहीं पर भी हम लोग FIR तक दर्ज नहीं करवा सकते, हमें यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है, हमें बोलने का अधिकार नहीं है, महिला पुरुष का वेतन बराबर नहीं है, अगर हम बोलते हैं तो बोल दिया जाता है कि ये तो आप लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं है, जब टॉर्चर किया जाता है तो गंदी गंदी गालियां दी जाती है कि आप लोग दलित लोग हैं, आपको किसने हक दिया कि आप इतने बड़े पुलिस अफसरों के सामने, बड़े बड़े करोड़पति जो कंपनी मालिक हैं उनके सामने बोले, आपको तो किसी ने अधिकार नहीं दिया है, आप तो गटर साफ करने वाले हो, आप तो कंपनी में काम करने वाले हो, मजदूरी करने वाले लोग हो। लेकिन जब देखा जाता है कि जब काम करवाना होता हो, गटर साफ करवाने होते हैं, जब ऐसे काम करवाने हो जो इंसान नहीं कर सकता, जिसके लिए मशीनों की ज़रूरत होती है, मशीनें भी फेल हो जाती हैं, तब सबसे पहली लाइन में कौन आता है? दलित लोग आते हैं, मजदूर लोग आते हैं। लेकिन जब किसी सहूलत की बात आती है, सरकार बोलती है कि जनता को अभी सहूलत की ज़रूरत है, कोई कानून लाए जाएंगे जिससे समाज की सेवा होगी, तो सबसे लास्ट में कौन होता है? दलित लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं।
और हम लोग ये जान पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं, और जिनकी जो सोच है जो आगे देख पा रही है, जो जनता को जगाने की कोशिश कर रहा है, और उससे स्टेट को डर लग रहा है, स्टेट कमजोर है। हम लोग को ये पता है कि स्टेट कमजोर है, लेकिन हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग जो जनता है वो बहुत पावरफुल है। मजदूर, किसान, आदिवासी, मुस्लिम, जितने भी लोग हैं, अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो ये चार लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और हम लोग तो यही समाज बनाना चाहते हैं कि जिसमें आम जो मजदूर है, किसान है, जो कास्ट है, वो धर्म हो, उसके आधार पे बांटा ही ना जाए। तो जो सरकार है वो तो यही इसी वजह से बांटती है। जब वोट पॉलिटिक्स होती है तो क्या बोला जाता है कि ये तो सिख हैं, ये हिंदू हैं, हिंदू खतरे में है, मुसलमान जो बाहर से आए लोग हैं, जो मुसलमान तो आत्मवाद फैला रहे हैं, जो खालिस्तानी है ये तो बोल रहे हैं कि हम तो अलग होना चाहते हैं। हालांकि ऐसी तो बात ही नहीं है। आप जाके ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे तो इंसान सिर्फ इतना ही चाहता है, हमें रोटी मिले, हमें कपड़ा मिले, हमें पेट भर खाना मिले, हमारा परिवार चले। किसी को ऐसा नहीं पड़ा कि हमें खालिस्तान बनाना है, किसी को ऐसा नहीं पड़ा कि हमें तो अलग ही देश में रहना है, और हमें तो खतरा है, हिंदुओं से खतरा है, मुसलमानों से खतरा है, सिखों से खतरा है। तो ये तो बना दिया जाता है। और जैसे लगातार से महिलाओं के साथ होता रहे हाथरस की घटना है, उसमें पता चलता है कि इसमें पुलिस स्टेट का हाथ है, और पुलिस ही रेप करती है। गुड़मंडी का केस है, बुटाना रेप केस है, और कुंडली में एक रेप केस हुआ है जिसमें 15 दिन लड़की से रेप हुआ। तो उसमें साफ जाहिर है कि पुलिस का चरित्र किस तरीके का है। पुलिस खुद रेप करवाती है, और बोला ये जाता है कि पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन हमें पता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है, पुलिस सिर्फ टूल है, हमें दबाने के लिए है पुलिस। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, मैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि उनको रिहा किया जाना चाहिए। जो आज भी हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, जो किसान हैं वो सड़कों पे बैठे हैं, वो खुद अपनी फसल उगाते हैं, बच्चों की तरह पैदा करते हैं फसल को, और उनको अभी भी आज़ादी नहीं है कि वो अपनी फसल का रेट खुद तय कर पाएं। मजदूर इतनी मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, फिर भी वो खाली पेट है। जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, फिर भी उनको पुरुषों से समान वेतन नहीं मिलता है। और जो मजदूर हैं उनको लेबर लॉस लेके आए जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे कुंडली हो चाहे कोई भी हो, वहाँ पे लागू ही नहीं किया जाता है। जो वेतन है, न्यूनतम वेतन बोल दिया जाता है कि न्यूनतम वेतन है जो आपका वो इतना है, लेकिन जो सही में वो इतना नहीं होता। जैसे 9,500 तो यहाँ पे है कुंडली में, लेकिन मिलता कितना है? 5,000-6,000, और वो भी 4-4 महीने, 5-5 महीने आप काम करो, ठेकेदारों के सामने आप गिड़गिड़ाओ, आधा पैसा ठेकेदार रखेगा, फिर आपको बोलेगा कब मिलेगा पैसा। धीरे धीरे उनको टालमटोल किया जाता है, जब वो पैसा मांगने जाता है तो बोल दे कि आप किसी और कंपनी में काम कर लो, हम आपको पहचानते ही नहीं है। तो कहाँ जाएगा मजदूर? उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कानूनी तौर पर लड़ पाए और वकीलों को पैसा दे पाए। जिसकी 7,000 सैलरी है वो 20-40,000 वकील को कैसे दे सकता है? तो ये तो राइट है हमारा कि अगर कोई ऐसा कानून पास होता है जहाँ हमें कुछ मंजूर नहीं है तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आज तो हमें वो भी नहीं आज़ादी है। तो देखा जाए तो आज के टाइम पे सिस्टम है जो इतना ख़राब हो गया, इतना खोखला हो गया है कि हम लोग जो मेहनत कश लोग हैं अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, और फांसीवाद है जो अपनी जड़ें फंसा रहा है, उसकी जड़ें मजबूत होती जा रही हैं फांसीवाद की, क्योंकि जो आम जनता है उसको दबाया जा रहा है, और जो लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। और जो मेन मुद्दा है जो मुझ पर लगाया गया, और जो मजदूर अधिकार संगठन के बहुत सारे जो और भी लोग हैं जिसको बोल दिया कि अन्य लोग जिनके नाम भी नहीं पता है, उन पर भी ये लगा दिया कि जबरन वसूली। आप बताइए कि जबरन वसूली, हमारा अपना हक मांगना, वेतन मांगना, क्या जबरन वसूली हो गई? और बहुत बड़ा सवाल तो ये बनता है, जो मजदूर कंपनी में काम करता है 12-12 घंटे, 24-24 घंटे, दिन रात शिफ्ट लगाता है, क्या वो करोड़पति मालिक से जबरन वसूली कर सकता है? अगर ये जबरन वसूली होती तो क्या जो 300 लोगों के पैसे हम लोगों ने पहले दिलाए, क्या वो कंपनी मालिक बेवकूफ थे कि जबरन वसूली देते रहे और FIR तक दर्ज नहीं हुई उनके खिलाफ, हमारे खिलाफ बिल्कुल भी? तो बात ये सीधी साफ है कि ये जानबूझ के खतरा महसूस हो रहा था स्टेट को कि जबरन वसूली बोल दिया जाए, ताकि इनका जो मुद्दा है यहीं पे बंद कर दिया जाए,
जो ये मजदूर हैं उठ रहे हैं उनको यहीं पे दबा दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो खतरा उनको ये लग रहा है कि जो किसानों के साथ हम लोग मिल गए थे, क्योंकि जब ये नवंबर में 26 नवंबर किसान आंदोलन यहाँ पे शुरू होता है, तो 26 नवंबर से ही जो मजदूर अधिकार संगठन है किसानों की सपोर्ट में बैठ जाता है। तब क्या होता है कि हम लोग लगातार से कोशिश कर रहे थे कि जो मजदूरों को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि मजदूरों का भी बहुत बुरे तरीके से बहुत हाई लेवल पे शोषण हो रहा है, और जो किसानों की मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं कि जो इन लोगों ने एक कानून जो लागू करने के लिए बोला है कि जो आप किसी कितनी भी लिमिट में स्टॉक कर सकते हो, तो आप सीधे के सीधा सीधा बताइए कि प्रभाव किस पर पड़ेगा, मजदूरों पे पड़ेगा, मिडिल क्लास पर पड़ेगा, दलितों पे पड़ेगा। तो जब हम लोग ये मुद्दा उठाते हैं, हम सपोर्ट करने के लिए 2000 मजदूरों को लेकर मजदूर हड़ताल करते हैं और मार्च करते हुए स्टेज पे जाते जाते हैं, और मैं बात रखती हूँ मजदूरों की तरफ से, तो तभी से टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है। फिर हम लोग किसानों को देखकर जोश में आ जाते हैं कि चलो हम लोग भी अभी किसानों के बैठे हैं किसान, तो अभी हम पर कोई हमला नहीं होगा। तो जब पहले हम लोग पर्चा भी बांटते थे, मजदूरों को बोलते थे कि जो ये लेबर लॉस लाए जा रहे हैं, हम लोग यूनियन नहीं बना सकते, हमारी जो सैलरी है वो हमें कम दी जाती है, या फिर हमें यूनियन बनाने का अधिकार नहीं, छटनी हो सकती है, कभी भी कंपनी से बाहर निकाला जा सकता है। तो ऐसे पर्चे लिख के जब हम लोगों में बांटते थे, मजदूरों में बांटते थे, तो हम पर हमला हो जाता है, हमें इतनी भी आज़ादी नहीं थी हम लोग पर्चा भी बांट पाए। तो जब किसान आंदोलन होता है तो मजदूर देखते हैं कि किसान मगर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? अभी तो किसान है, कौन हमला करेगा? इतने लाखों लोग बैठे हैं तो कौन हमला कर सकता है हम पर? तो हम लोग ने किसानों की सपोर्ट लेते हुए इकट्ठा हुए, हमने हेल्प डेस्क लगाया किसान आंदोलन के बीच में, जो निकटम चौक है वहां पे हम लोगों ने हेल्प डेस्क लगाया, जिसमें हम लोगों ने लिखा कि अगर कंपनी मालिक या ठेकेदार आपको पैसा नहीं देता है तो आप मजदूर अधिकार संगठन के पास आकर कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। तो लगातार मजदूर बढ़ते गए आते गए, तो हम लोग जो मार्च करते हुए जाते, और जिस कंपनी में लॉकडाउन का पैसा रुका हुआ है, वेतन रुका हुआ है, वो वेतन लेने के लिए हम कंपनी के बाहर जाते थे और शांतमय तरीके से बैठे धरना प्रदर्शन करते थे और अनाउंसमेंट करते थे कि जो कंपनी मालिक है वो बाहर आके मजदूरों का जो वेतन है वो दे। कुछ मालिक बोलते थे कि आप लोग जैसे बहुत देखे हैं, हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे आप लोगों की तो इतनी जरूरत कैसे होगी आप मांगने आ गए। और कुछ जो छोटी कंपनियां थी वो कभी तो तुरंत दे देती थी 15 मिनट में पैसा, मतलब वेतन है जो, और जो कुछ सुबह में बोल देते, कुछ शाम में बोल देते थे, जैसे किसी का 40,000 फंसा हुआ है, 4-5 मेंबरों का, उसका 20,000 दे देते थे कि चलो बाकी हम लोग बाद में दे देंगे। तो ऐसे लगातार से हमें वेतन मिलने लगा जो हमारा रुका हुआ था, तो हमें पता चलने लगा कि जो मजदूरों की पावर बहुत होती है। तो ऐसे ही जब हम लोग एक मैगी की कंपनी थी, जब हम लोग गए वेतन लेने के लिए, तो उसमें जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है वो दो धड़ों में आती है, दोनों तरफ से हमला करती है और एकदम से आके हमला कर दिया जाता है और फायरिंग कर दी जाती है। फिर हम लोग आगे से जब बचाव करते हैं तो वो भाग जाते हैं। फिर हम लोग कुंडली थाना में जाते हैं FIR दर्ज करवाने के लिए। आधा घंटा लगातार हम लोग बोलते रहे, हम लोग नारे लगाते रहे कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए जिन लोगों ने हम पर गोली चलाई है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती है। और हालांकि उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की बजाय हमारे ही ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है कि तो जबरन वसूली कर रहे हैं। हम लोग SP को लेटर लिखते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कि आप उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाए, कार्रवाई की जाए जिन्होंने गोली चलाई है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो आप बताइए हमारे पास कौन सा रास्ता है, आप खुद बताइए, अगर मैं हम गलत हैं तो कौन सा रास्ता बचता है हमारे पास? ये तो संविधान ने हक दिया है कि आप शांतमय तरीके से धरना कर सकते हो, तो हमारे पास एक ही रास्ता था, वो था धरना प्रदर्शन करना, एकजुट होकर मिलकर धरना करना, वो हम लोगों ने किया। वही कोशिश थी हमारी कि जो लोगों के बचे पैसे हैं, जो वेतन है वो दिलाया जाए। फिर हम लोग दोबारा जब 12 जनवरी को हम लोग जाते हैं कंपनी के सामने, तो दो कंपनियों में ये बोल दिया जाता है कि आपको सुबह के टाइम में, कल सुबह या शाम में आपको पैसे मिल जाएंगे, जो आपका वेतन है वो मिल जाएगा। जब तीसरी कंपनी में हम लोग जाते हैं तो कंपनी का गेट बंद कर दिया जाता है। तो हम लोग आधा घंटा लगातार वहां पे नारेबाजी करते हैं, बैठते हैं,
क्विक रिस्पांस टीम और पुलिस साथ में आती है और क्विक रिस्पांस टीम साइड पे खड़ी हो जाती है और एकदम से पुलिस आके लाठीचार्ज शुरू कर देती है और तितर बितर करने की कोशिश करती है। और जब मैं बोल रही थी और एक लड़की और भी थी और जो लोग बोल रहे थे उनको सीधा खींचने की कोशिश की जाती है। कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं होने के हो नहीं थी वहाँ पे और मुझे बालों से और गले से पकड़ कर खींचा जाता है, बुरे तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है, ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है कि लोगों को मजबूर होना पड़े छुड़वाने के लिए। तो उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जानबूझ के कि इनको सबकी सबको फंसाया जाए। तो ये प्री प्लान्ड के साथ हुआ है सारा। आप देख सकते हो कि आपको पहले की जो वीडियो बिल्कुल नहीं दिखाई गई, उसमें सिर्फ इतना ही दिखाया जाता है कि मजदूरों ने पुलिस पर हमला कर दिया। अगर हम लोगों को पुलिस पे हमला ही करना होता, हम लोग क्यों नहीं थाने में जाते? जहां पे पुलिस खड़ी होती वहां पे क्यों नहीं गए? हम लोग कंपनी के सामने जाके क्या पुलिस की वेट करेंगे? क्योंकि पहले जब हम लोग जाते थे तब सिर्फ पुलिस आती थी, कंपनी में अंदर पैसा लेती थी, उनसे भी हमें तितर बितर करने की कोशिश की जाती थी। जबकि हम लोग जब बैठे रहते थे, हम लोग नहीं जाएंगे, भूखे पैसे यहाँ पे बैठेंगे, तो मजबूरी में कंपनी मालिक को पैसा देना पड़ता था। अगर हमें पुलिस पर हमला करना ही होता तो हम लोग थाने में जाते, हम लोग वहां पे जाते जहाँ पे पुलिस खड़ी है, हम लोग कंपनी के सामने नहीं जाते जहाँ पे हम लोगों ने काम किया है। हमारे पास ऐसे हथियार नहीं है कि हम लोग पुलिस पे हमला कर दें। हमारे पास सिर्फ झंडे थे और झंडा डालने के डंडा जरूरी होता है, और वही डंडे थे जिनको इन लोगों ने हथियार बोल दिया है, स्नैचिंग बोल दिया है कि हम लोगों ने कुछ छीन लिया पुलिस से। क्या आपको लगता है कि मैं क्या छीन सकती हूँ पुलिस से? क्या मैं मर्डर कर सकती हूँ किसी का? मर्डर करने की कोशिश कर सकती हूँ कि जो मेरे साथी हैं वो मर्डर करने के लिए गए थे, किसी को मारने के लिए गए थे? तो ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी जाती हैं कि हम लोग को, जब मैं थाने में थी ऐसी गंदी गालियां दी गई, बोला गया कि आप लोग गटर साफ करने वाले हो, आप लोग को तो जेल में होना चाहिए, आप लोग को तो काम करना चाहिए, ऐसे ऐसे काम जो आपको दिए गए हैं, आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप अपनी आवाज बनो, आप करोड़पति के सामने सर उठा के खड़े हो जाओ। तो बात यही है कि सीधा सीधा साफ और स्पष्ट शब्दों में मैं यही कहूंगी कि हमारी कोई जीत नहीं हुई है कि जो मैं बाहर आ गई हूँ। जिन लोगों को ये लगता है कि चलो नवदीप बाहर आ गई, बेल मिल गई, तो उनको खुशी होगी और जीत प्राप्त होगी, मैं आज भी खुश नहीं हूँ, सिर्फ मुझे बेल मिली है। इसी वजह से मैं खुश हूँ कि लोगों ने आवाज उठाई है, और ये पहली बार मुझे लगता है हुआ है कि किसी मजदूर महिला को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला हो। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, किसान जो नेता हैं, किसान जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, पत्रकार हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो आज भी जेल में बंद, उनके लिए आवाज़ नहीं उठ रही। लेकिन उन्हीं आज सपोर्ट की वजह से, देशों व देशों की सपोर्ट की वजह से, आम जनता की वजह से, जो अच्छा मीडिया है उन्हीं की वजह से आज मैं बेल पे बाहर आई हूँ। लेकिन ये हमारी जीत नहीं है। हमारी जीत तब होगी जब लेबर लॉस जो लागू किए जाएंगे जो मजदूरों की सुरक्षा के लिए हैं, जब जो कानून रद्द किए जाएंगे जो किसानों के लिए बनाए जा रहे हैं, और जब महिला और पुरुषों का वेतन बराबर होगा, जब हमें बोल दिया जाएगा कि आप कहीं पे भी गुहार अपनी लगा सकते हो। क्योंकि जो अभी लेबर कोड बिल लाए गए हैं उसमें तो ये है कि आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, आप कहीं पे भी अपनी जो विनती नहीं सुना सकते, आप संगठन नहीं बना सकते, आपको कभी भी कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या हम लोग यहीं पे बैठ जाएं कि मेरी बेल हो गई है, मैं अपने घर में बैठ जाऊं? जिन लोगों ने आज मुझे बाहर निकलवाया है, क्या मैं उनके लिए ना बोलूं? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं नहीं भी बोलती हूँ तो भी मैं मारी ही जाऊंगी। तो भी हम लोग दलित लोग हैं जो उनका यही हाल होगा, कंपनी में मर जाएंगे, सड़क दुर्घटना में मर जाएंगे, गटरों में मर जाएंगे, खेतों में काम करते हुए मर जाएंगे। लेकिन एक रास्ता हमें जरूर दिखता है कि अगर हम संगठित रूप से किसानों के साथ मिलके, मजदूरों के साथ मिलके, महिलाओं के, मुसलमानों के, आदिवासियों के, और जितने भी जो तबका है, जो मेहनतकश तबका है, उनके साथ मिलके अगर कुछ बोलेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, तो शायद एक उम्मीद है कि हम लोग को वो हक मिले जिसकी वजह से हम लोग लड़ रहे हैं। और अंत में मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। जितने भी किसान नेता, किसान लोग, मजदूर लोग, जितने भी लोग हैं, उनको तुरंत जेल से रिहा किया जाना चाहिए। शिव कुमार है, शिव कुमार को सिर्फ इसीलिए पकड़ लिया जाता है, वो दलित है, वो मजदूर अधिकार संगठन का प्रेसिडेंट है,
उसको इसीलिए टॉर्चर किया जाता है क्योंकि वो दलित है, उसके पीछे कौन बोलेगा, मेरे पीछे कौन बोलेगा। पहले तो यही लगता था कि दलितों के साथ रेप करो, महिलाओं के साथ रेप करो, दलित महिलाओं के साथ, दलितों को मारो पीटो कुछ भी कर दो, कोई नहीं बोलने वाला, क्योंकि पहले भी हम लोग देखते हैं कौन आवाज़ उठाता है हमारी, कोई भी नहीं उठाता है। तो उन्होंने यही देखते हुए इतना अत्याचार किया, शिव कुमार की हड्डियां तोड़ी, उसको वो सदमे में चला गया, उसके नेल निकाल दिए जाते हैं, उसको अवैध कस्टडी में रखा जाता है और पता भी नहीं चलता घर वालों को कि इसको पकड़ लिया जाता है। और घर वालों को काफी दिन बाद आके ये बोल दिया जाता है कि शिव कुमार कहाँ है, साइन करवा लिए जाते हैं। जो उनकी माता जी है वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है, तो ये फायदा उठा लिया जाता है कि हमें तो पता है। उसके बाद कोर्ट से भी कस्टडी ले ली जाती है और उसका रिमांड किया जाता है। आज भी शिव कुमार जेल में है, कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि पुलिस का जो चरित्र है, हरियाणा सरकार का जो चरित्र है, जो सिस्टम है हमारा, कोर्ट को भी नहीं मान रहा है। क्या उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या वो देशद्रोही नहीं है जो कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं? हम लोगों ने तो ऐसा काम भी नहीं किया है जिसकी वजह से मैं जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जो कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं उनको उन्होंने कर्ता दत्ता बना दिया है। आज भी वो जेल में बंद है, उसको कुछ भी नहीं, मेडिकल सुविधा नहीं मिली, प्लस्तर लगा के उसको जेल में डाल दिया गया है, उसकी बेल नहीं मिल पा रही है, उसको किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग सिर्फ यही बात करना चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनने चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें लगे कि हाँ कि महिलाएं सुरक्षित हैं। हम लोग देखते हैं कि थानों में रेप हो जाता है, पुलिस रेप करती है, 12-12 पुलिस वाले बुटाना रेप के हमारे सामने है, रेप कर जाती है पुलिस, कंपनियों में रेप होता है, शोषण होता है महिलाओं का। तो क्या आप बताइए कि आपके लिए सवाल नहीं है ये? क्या सिर्फ मेरे लिए सवाल है? क्या सिर्फ मेरी लड़ाई है ये दलितों के खिलाफ लड़ना, दलितों के साथ लड़ना, किसानों की लड़ाई लड़ना, महिलाओं की लड़ाई लड़ना, क्या सिर्फ मेरी लड़ाई है ये? क्या आप सबकी लड़ाई नहीं बनती? क्या आपको नहीं पता चल रहा कि कितना गलत हो रहा है, कितनी नाइंसाफी हो रही है? तब तक हम लोग नहीं बोलेंगे। अगर हम आज भी नहीं बोलते हैं, आज भी किसान यहाँ पे बैठे रहते हैं, भूखे पैसे मरते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे, यहाँ पे हम लोग चुप रहेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सिर्फ घर में कमेंट कर सकते हैं, सिर्फ फेसबुक पे क्रांति ला सकते हैं, क्या वो लोग सिर्फ घर पे बैठे रहेंगे? तो इतनी ही बात मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो अभी भी पूरी नहीं हुई हैं, और ये डिमांड सबको रखनी चाहिए, सिर्फ एक इंसान का फर्ज नहीं बनता, हर इंसान को आगे आके ये डिमांड्स पूरी करने के लिए आगे आना होगा, और तभी जाके हम लोग कामयाब हो पाएंगे, किसान है जो कामयाब हो पाएंगे, और जो सिस्टम है जो 4-5 लोग मिलके जो दलाली कर रहे हैं वो इसको कानूनों को रद्द कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग हाथ जोड़कर विनती करते हैं, मैं भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जो लोग जेलों में इसको छुड़वाने के लिए सारे लोग आगे आएं, और जो कानून लेके आ रहे हैं काले कानून को, उनके खिलाफ लड़ने के लिए सारे लोग आगे आएं। धन्यवाद। मैं राजवीर गांव देवडू से हूँ जी, सोनीपत में पड़ता मेरा गाँव जी। मेरा बेटा शिव कुमार 16 तारीख को अरेस्ट किया गया, हमें या उसके किसी साथी को नहीं पता, वो सोलह तारीख को उठाया जी, उसको रेस्ट किया गया, और 31 को हमें पता चला कि शिव कुमार को उठा लिया है। SP ऑफिस में गए हम, उसके बाद हमें पता लग गया कि वो 10 दिन के रिमांड पे ले रखा है। और तब तक एक बार मिलाई हुई है मेरी बुधवार को जी, उससे पहले कोई मिला ही नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई किसी किस्म की वो नहीं है। घरवाली है जी, वो बीमार रहती है, और छोटी लड़की है जी, एक लड़का छोटा। मैं रात को नहीं था, 9:30 बजे पुलिस आई जी, वो ये कह के पूछ के आके शिव कुमार है यहाँ, उन्होंने मना कर दिया यहाँ नहीं है। उन्होंने कहा 1-2 दिन में पेश कर दियो और साइन करवा के ले गए जी। ये नहीं पता जी वो क्या लिख रखा था, क्यों, वो तो बच्चे थे और वो उसका तो दिमाग वैसे ही, वो तो अनपढ़ बराबर है जी। घरवाली वो तो बीमार रहती है जी 20-25 साल से। वो बोला जी 15 दिन के लिए क्वारंटीन में रख रखा है, उसको 15 दिन के बाद मिलाई होगी जी। 3 तारीख को गया जी मैं, फिर 17 को गया, बीच में मेरे ख्याल 12 तारीख को भी गया था जी मैं मिलाई के लिए, कोई मिलाई नहीं हुई जी मेरी। और जब अस्पताल में आप उनको क्या उनसे देख पाए, मिल पाए, किस तरह की चोटें हैं या कुछ बात हो पाई? ये मिलत
थोड़ी वो जैसे गाड़ी से उतारा जी वैसे ही वो देखा था हमने, वो पैर से लंगड़ा रहा था, उसके जो पैरों के नाखून थे वो नीले पड़े हुए थे, और जो वो 16 तारीख को उठा और 24 वो पता नहीं कितनी तारीख थी उस दिन, 20 तारीख तक उसको इतनी चोटें थी जी, उस टाइम कितनी चोटें होंगी जी उसको। मैं बेसिकली पत्रकारों के इशू पे बोलना चाहूँगा और मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा यूपी के 59 पत्रकारों के ऊपर, जिनको जिनके ऊपर लॉकडाउन के बाद मुकदमे हुए हैं। तो और इसके साथ ही अब बिहार में भी हमारे एक साथी हैं उत्कर्ष कुमार सिंह, उनके ऊपर मुकदमा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर लिखने के, और एक ऐसी ट्वीट के लिए भी उनके ऊपर मुकदमा कर दिया जो उन्होंने किया भी नहीं था। बिहार में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिशें हो रही हैं, आप हम सभी को पता ही है। कश्मीर के पत्रकार, बहुत सारे पत्रकार हैं, 3 पत्र अभी 2020 के आते आते 21 के आते आते 3 पत्रकारों के ऊपर और अभी कश्मीर में चल पड़ा है, मुकदमे चल पड़े हैं। ऐसे ही कपन सिद्दीकी साहब का मामला लें, हाथरस में वो ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे, वो अभी तक जेल में हैं। तो मेरा ये मानना है कि पत्रकार का काम ग्राउंड पे होता है, वो उसको जेल नहीं होनी चाहिए, उसको अपना काम करते दिया रहना चाहिए। मैं भी अपना काम कर रहा था, मैं भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा था, मुझे 30 तारीख को पुलिस ने उठाया। आप देखेंगे कि जब पुलिस ने मुझे उठाया लाठियां बरसाते हुए, और जब जो मेरा अरेस्ट दिखाया है उस टाइम में भी अंतर है, मुझे 7:00 के के आसपास उठाया गया है और फिर 1:00 के आसपास उन्होंने मेरी गिरफ्तारी दिखाई है। तो ये जो बीच इतना लंबा जो गैप था बीच का, इस बीच वो लगातार मेरे साथ उन्होंने वोलेंस की, वो मेरे को मारा है, मेरे लेफ्ट लेग को अलग करके उसके ऊपर अलग से लाठियां बरसाई और मुझे एक पुरानी सी बिल्डिंग में लेके गए वो, और ठंड में पंखा चला दिया और मेरी जैकेट उतरवा दी थी, मैं नंगे पैर मुझे वहां पर बैठाए रखा, पानी मांगा तो पानी मुझे पिलाया नहीं, मेरे मुंह पे मारा और लगातार करते रहे कि तेरे जैसे पत्रकार बहुत रगड़े हैं। तो पुलिस की जो ये डेफिनेशन मुझे समझ में नहीं आती कि तेरे जैसे पत्रकार बहुत रगड़े हैं, पत्रकार रगड़ने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, हम कोई मतलब चटनी नहीं है कि आप रगड़ दोगे। तो ये एक जो पुलिस सिस्टम है इंडिया का, इस पर सीरियसली बात करनी पड़ेगी, है ना, कि जो भी नागरिक हैं वो पुलिस द्वारा रगड़ने के लिए नहीं, हमारे अपने अधिकार हैं। और इस बीच मैं उनसे लगातार कहता रहा कि आप मेरी वकील से बात करवा दीजिए, आप मेरे एडिटर से मेरी बात करवा दीजिए, मेरे वाइफ से मेरी बात करवा दीजिए, उन्होंने को एक भी नहीं सुना, बोला आप तो तिहाड़ से बात करना, मतलब उन्होंने उठाया किस लिए था कि मैं तिहाड़ भेजेंगे मुझे। तो ये जो शब्दावली और जो ये पुलिस का जो व्यवहार है, ये इसके ऊपर सीरियसली सवाल होने चाहिए। नवदीप कौर बैठी हैं, इनके ऊपर जो पुलिस ने कस्टडी में किया है, शिव कुमार आपको पता ही है, हाईकोर्ट ने मेडिकल के लिए कहा तो उस मेडिकल में जो निकल कर आया है वो आप सब लोगों के सामने है। किसान हो, मजदूर हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, पर्यावरण कार्यकर्ता हो, उन सबको जेल भेजा जा रहा है जबकि वो नागरिक हैं, है ना, अगर राजनीतिक भाषा में बोलें तो वो नागरिक हैं, और सत्ता और नागरिकों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, संविधान का कॉन्ट्रैक्ट है, वो नागरिक कोई भी अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत कुछ भी काम कर रहे हैं उनको गैर कानूनी बता के जेल में डाल दिया जा रहा है। तो मतलब वो एक हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट है संविधान का उसको ही खारिज कर रही है सत्ता, और वो प्रजा चाह रही है, जैसे राजा और प्रजा होता है वैसी प्रजा चाह रही है, लेकिन नागरिक नहीं चाह रही जिसके कुछ अधिकार हैं संविधान के तहत। तो इसके ऊपर सीरियसली हमें सोचने की जरूरत है। और आप मैं इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी रेगुलेट करने की सरकार कोशिश कर रही है। इससे पहले हम देखेंगे कि सिर्फ ट्वीट करने के कारण हमारे बहुत सारे जो सीनियर पत्रकार हैं उनके ऊपर सेडिशन का केस लगाया गया, और कई जो अल्टरनेटिव मीडिया के संस्थान हैं उनके ऊपर छापे, न्यूज़ क्लिक के ऊपर छापा पड़ा और पूरा 110 घंटे तक वह छापा चलता रहा। तो ये मतलब जो भी अभी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो भी संस्थान अभी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे करना, जेलों में डालना, ये बिल्कुल मतलब पत्रकार भी एक नागरिक ही है, तो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है और इसके ऊपर बोलना पड़ेगा। और जितने भी मतलब जो अपने आप को नागरिक मानते हैं, मतलब वैसे तो देश का हर आदमी नागरिक है,
तो जितने भी नागरिक हैं उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे पत्रकार हों, मजदूर हों, किसान हों, और उनको सीरियसली आवाज उठानी पड़ेगी अपने अधिकारों के लिए, जो उनका संवैधानिक अधिकार जो उनका हनन हो रहा है उसके ऊपर। अपने बात शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, नवदीप शिव कुमार हमारे साथ नहीं है और मनदीप पुनिया, ये ऐसे लोग हैं जिनको इस वक्त देश को जरूरत है। ये ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के लिए, इनका लीडर जो एक्टिविज्म है ये इस देश के लिए इस समय जरूरत है, और ये जेल के पीछे नहीं होनी चाहिए, ये देश को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। मैं क्यों ये इस बात को कह रही हूँ, नवदीप और मनदीप ने अपना बात कहा, इस समय जर्नलिज्म का जो स्थिति है और खास करके गोदी मीडिया का जो स्थिति है, सच्चाई का कोई जगह नहीं है इस समय। जो कॉरपोरेट कंट्रोल्ड मीडिया है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया है, वहाँ पे मनदीप जैसे कुछ पत्रकार जो रिपोर्टिंग जो काम होता है ग्राउंड में जाके सच्चाई जनता के सामने लाना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ जर्नलिस्ट, एंड ही वाज डूइंग दैट एंड ही वाज पनिश्ड फॉर डूइंग दैट, बिकॉज अ जर्नलिस्ट टुडे इज सपोज टू बी स्पाइनलेस, अ जर्नलिस्ट टुडे इज सपोज टू स्पीक ओनली फॉर द गवर्नमेंट, एंड अ जर्नलिस्ट हु डज हिज जॉब फेसेस स्टेट करप्शन, एंड एज ऑल ऑफ अस कैन सी दैट मनदीप इज नॉट एट ऑल बोर्ड डाउन, वो डरे हुए नहीं है, वो अपना काम करेंगे। नवदीप और शिव कुमार ये दोनों ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट हैं, मजदूरों के हक के लिए मजदूरों को ये ऑर्गेनाइज करते हैं, और किसान आंदोलन जिस समय चल रहा है उस समय ये दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, टॉर्चर किया, और किस लिए किया, क्योंकि वो मजदूरों का हक मांग रहे थे, उनका वेज मांग रहे थे। मजदूर जो अपना काम करते हैं, अपना मेहनत करते हैं, उनके खून पसीने का कमाई मांग रहे थे, और इसके लिए इनको गिरफ्तार किया गया, इनको टॉर्चर किया गया। ये जो कृषि कानून आए हैं देश में, ऐसे एक समय आए हैं जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, जिस समय गतिविधियां रोक दी गई थी, पुलिस के डंडे के सामने देश के करोड़ों करोड़ मजदूर खाना लेने के लिए अगर बाहर जाते तो पुलिस का डंडा का सामना करना पड़ता, करोड़ों मजदूर शहरों से भूखे गांव लौटते तो पुलिस के डंडा का सामना करना पड़ता। और ऐसे एक समय देश के पार्लियामेंट में कृषि कानून लाया और वेज कोड एक्ट लाया, किसानों के लिए कानून लाया है, मजदूरों के लिए कानून लाया, और दोनों कानून ही किसानों से उनका हक छीनना और मजदूरों से अपना उनका हक छीनना, इसके लिए लाया गया है। ये जो वेज कोड एक्ट्स लाए गए हैं, दीज आर ये मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए, दीज आर दिस शुड बी कॉल्ड स्लेव कोड, स्लेवरी का कोड है। मजदूरों को उनका हक नहीं रहेगा, उनको मिनिमम वेजेस नहीं दिया जाएगा, और अगर नहीं दिया जाएगा तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, लेबर ऑफिसर आके जांच नहीं करेगा। मालिक का पूरा हक है कि मजदूरों से 8 घंटे के जगह 12 घंटा काम कराए, पैसा ना दे, और मालिक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई लेबर ऑफिसर आके पूछेगा नहीं मालिक को, इसलिए ये कानून लाए गए हैं। यूनियनाइज होने का अधिकार मजदूरों को नहीं रहेगा, तो ये नागरिकों को, देश के मजदूरों को, नागरिकों को गुलाम बनाने के लिए देश के संविधान, देश के पार्लियामेंट ने लॉकडाउन के दौरान ऐसे कानून लाए हैं। और अभी लॉकडाउन के बाद जो नवदीप आपको खुद बताएंगे, वो बता भी चुकी हैं कि उनका संघर्ष किस लिए था और उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। पूरे देश भर में आज ये सच्चाई है, लॉकडाउन के बाद इस देश में मजदूरों का जो स्थिति है, बेतहाशा नौकरी से निकालना, बेतहाशा, उसी के साथ साथ जबरदस्त वेज कट, और जितना काम कोई मजदूर कर रहा है, जितना पैसा उसे वादा किया गया है वो पैसा ना देना, मतलब एक तरीके से बंधुआ मजदूरी करवाना, काम करवा के पैसा ना देना, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, ये मजदूरों से करवाया जा रहा है। और अभी मैं और एक जो लॉकडाउन के बाद ही 2020 दिसंबर में कर्नाटका में विश्चन का जो इंसिडेंट है वो मैं सामने लाना चाहूंगी। आईफोन का जो असेंबली करता है ये कारखाना कर्नाटक में विस्टर्न, और वहाँ पे मजदूरों को जो काम करते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई आईटी प्रोफेशनल है, कोई अलग अलग पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, और उनको वादा किया गया था कि 22,000 रुपये महीने में दिया जाएगा इस काम के लिए, उनको ना ही वो वेज दिया गया, 12 घंटा कंपल्सरी वर्क, 12 घंटा उस कारखाने के मजदूरों को कंपल्सरीली काम करना ही है,
ओपन वायलेशन ऑफ द लॉज ऑफ द लैंड. जितना तनखा बोला गया उतना नहीं दिया गया, ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया गया. और उसके बाद जब वो अपना आवाज उठाए तब उनको जेल में डाला गया, उनको टॉर्चर किया गया. कर्नाटका सरकार बाकी सब चीजों के बारे में आप देखिए कि कैसे सिमिलरिटी है. जब कोई ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट मजदूरों का तनखा मांगता है तब कहा जाता है कि उसने लॉ वायलेट किया, उसने एक्सटॉर्शनिज्म का काम किया, वो पैसा छीनने के लिए सब कर रही है, कर रहा है. मजदूरों की मेहनत का पैसा, जो तनखा उनको मिलना चाहिए, वो अगर ट्रेड यूनियन लीडर मांग करता है मजदूरों के साथ, तब कहा जाता है ये गुंडागर्दी कर रहा है. और विस्टन में यही हुआ, अभी भी 100-150 मजदूर वो जेल के सलाखों के पीछे हैं. कर्नाटका सरकार बाकी सब चीजों को लेकर बहुत कंसर्न है, लेकिन इस चीज को लेकर कंसर्न नहीं है कि उनका तनखा काटा गया, उनसे ओवरटाइम करवाया गया, पैसा नहीं दिया गया. द गवर्नमेंट, द इलेक्टेड गवर्नमेंट इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द राइट्स ऑफ द वर्कर्स इन देयर ओन स्टेट. एंड दिस इज द ट्रूथ इन ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ दिस कंट्री, स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन. एंड आई वुड ऑल्सो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट रिप्रेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट कस्टोडियल वायलेंस, आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिमेंबर अवर फ्रेंड्स हु आर इन जेल बिकॉज दे वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. They were upholding the secular fundamentals of Indian constitution. I would like to talk about Umar Khalid, Miran Haider, Khalid Saifi, Ishrat Jahan, Devangana Kalita, and all of them who have been framed, falsely framed. क्योंकि ये जो protest में लगे हुए थे ये peaceful protest था. कपिल मिश्रा ने जो speech दिया था उसके बाद दिल्ली शहर में ओपनली दंगा भड़का था. इनमें से एक भी कार्यकर्ता ने जो किया था उसके बाद हिंसा नहीं हुई. तो जो संयुक्त किसान मोर्चे की अगवाई दे विच पिछले 3 महीनों तो दिल्ली के 4 बार्डर के उपर जो संघर्ष चल रहा, जो अंदोलन चल रहा है, वो जो संयुक्त किसान मोर्चे की जो लीडरशिप है, जो आगू टीम है, जो भी हुण तक विज्ञान भवन दे विच किसानां दा जो मुद्दे है, तीन काले कानून और MSP, इन्हां दे उपर जिन्नियां भी मीटिंगां होंगे उन्हां दे विच मैं शामिल हैं. तो अज दा जो विशा है स्टेट रिप्रैशन, किसान अंदोलन ते जां मजदूरां दे जां जिन्ने भी होर वर्ग है, विद्यार्थी है, नौजवान है, उन्हां ते जो तशद्दुद है, जो रिप्रैशन है, ये असं समझते हैं भी जिहड़ा किसानां दे उपर हुण तक 204 तो उपर किसानां दीआं जानां जा चुकियां इस अंदोलन दे विच. असीं समझते हैं भावें वह एक्सीडेंट ना होईआं ने, भावें किसी होर कारण मौतां होईआं ने, भावें ठंड कारण मौतां होईआं ने, असीं समझते हैं भी वह भी स्टेट रिप्रैशन का ही हिस्सा है. तो इस तों इलावा 26 जनवरी नूं जदों किसानां दा संयुक्त मोर्चे का सद्दा सीगा ट्रैक्टर परेड का, उस दिन भी जो रिप्रैशन होया, भावें वह झूठे केस है किसानों के उपर, असी समझते हैं भी जोड़े सारे के सारे केस है वह सारे झूठे है. तो जिन्हें भी किसान तो नौजवान जेलों के बंद है वह सारे इस स्टेट जो रिप्रैशन है वह हिस्सा है. तो असी सारे वर्गों के नाल रल के हूँ भी जोड़ा सा लीगल पैनल बनया होया है इस स्टेट ऑपरेशन के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे वालों अध तो अध के लगभग जोड़े किसानों दिया नौजवानों दिया जवानत करवा के उन्होंने रिहाई हो चुकी है, जिन्हें इस तो अलावा किसानों तो अलावा जो मजदूरों पर जबर है, खास करके जो मजदूर अधिकार संगठन दे आगू साड़ी बेटी है नवदीप कौर, शिव कुमार जी है, इन्होंने साडे अंदोलन के डट के साडी सपोर्ट की है. मजदूर होंदे हुए इन्होंने अपनी जो फैक्टरी मजदूर सीगे उन्हां दी लामबंदी करके यह साडे धरने दे विच साडे अंदोलन दे विच साडे नाल सॉलीडैरिटी प्रगट करन दी खातर साडे अंदोलन दे विच शामिल इन्होंने करवाया. तो इन्हां ते जो रिप्रैशन होया खास करके नवदीप कौर ते ते शिव कुमार ते वो आपनूं पता ही है, उहदा असीं डट के उहदी निंदा करदे हां. तो इन्हां दी जिहड़ा रिहाई तिकर इन्हां दे केसां नूं कवैश कराउण तक असीं जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों इन्हां दे
डट के सपोर्ट करने का असं अहद किया होया है। तो होर भी जिहड़ा दा भी कोई डेमोक्रेटिक स्ट्रगल दे विच भावें वह बुद्धिजीवी है भावें पत्रकार है साडे वीर बेटे छोटे मनदीप पुनिया जी इन्हां बारे छोटे पत्रकार भाईचारे दे विचों ही है। इन्हां ने साडे धरने जिस दिन 29 तरीक नूं पुलिस ते बीजेपी के कुछ बंदे वालों रल के साडे धरने ते जो साडियां बीबियां सीगियां साडे किसान सी उन्हां ते उन्हां ने इट बट्टा मारिया उन्हां ते पथराव किया उस दिन इन्हां ने बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग की इन्हां ते पुलिस ने तशद्दुद किया ते उस तो बाद केस पा के इन्हां ते जेल च भी इन्हां बंद किया भावें हुण जमानत ते रिहाई हुई है। इन्हां दा भी असीं सन्मान भी किया असीं स्टेज तो ते इन्हां दे नाल जां होर भी जिहड़े पत्रकार है जां जिहड़ा होर भी जिहड़े वर्ग है जिहड़े भी साडे अंदोलन दे विच सपोर्ट कर रहे ने उन्हां दे खातर असीं अज दी प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच दसदे आं वी असीं डट के खड़ांगे डट के सपोर्ट करांगे।